सबसे बड़ी बात आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कोयलांचल की धरती के अंतर्गत धनबाद एक जिला है और वहाँ पर एक छोटा सा कस्बा कतरास के एक छोटे से मोहल्ले ने आज वो करके दिखाया जिसकी कल्पना आप मन में भी नहीं कर सकते थे। झारखंड एक ऐसा धरती जिसको जन जंगल जमील के नाम से जाना जाता है, सरकारें इस पर आवाज़ उठाती है, उसको मुद्दे पर लाती है और बहरहाल जिस पर भी बातें होती है आगे बढ़ती है। लेकिन इसी धरती पर इसी कतरास के छोटे से कस्बे से केवट टोला हम लोग बोल रहे हैं, इस केवट टोला में एक ऐसा अनोखा हीरा जो 2021 के झारखंड के मैट्रिक के अंतर्गत धनबाद जिले का सबसे टॉप स्केल को अपने जगह पर लाई। चलिए आज उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे बीच में है संतोषी कुमारी जी। संतोषी, बहुत सबसे पहले तो आपको बहुत ढेरों शुभकामना कि आप इस स्थिति पर आई। थैंक यू। संतोषी, कहाँ पढ़ती थी आप? राजेंद्र बालिका उच्च विद्यालय। ये यहाँ से कितनी दूर है? 1 किलोमीटर। वहाँ की मैडम कौन है, वहाँ प्राचार्या कौन है? सुमन मिश्रा मैम। अच्छा, ये जो मुकाम आप 96% बताई? 96.80%। मन में थोड़ा सा और लगा कि कुछ और हो सकता था? मुझे ऐसा था कि शायद थोड़ा सा और मिला सकती थी। अच्छा, एक अच्छा मार्क्स प्राप्त करने के पीछे किस तरह का स्ट्रेटजी काम करता है, किस तरीके से लिखना होता है, किस तरीके से आपने पढ़ा उस चीज़ों को? एक अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें किसी भी क्वेश्चन चाहे जो भी हो उसे ज़रूरी नहीं है कि रटा हुआ लिखे हम लोग को जो अच्छे से समझ में आए, हम लोग समझा हुआ चीज़ ज़्यादा अच्छे से हम लोग लिख सकते हैं। किसी भी चीज़ को हमें रटना नहीं चाहिए उसे। सबसे अच्छा मार्क्स आपको किस सब्जेक्ट में है? हिंदी। कितना आया? 100। कितना? 100। संतोषी ने फिर वो करके दिखाया 100/100। दूसरे सब्जेक्ट्स को लेकर किस तरीके से आपने प्रिपरेशन किया? मैंने सारे सब्जेक्ट में एक ही तरह से ध्यान दिया हुआ था। मुझे आशा था कि शायद मेरे मैथ्स में और भी मार्क्स आता आ सकता था। अच्छा, कुछ ट्यूशन वगैरह भी आपने लिया क्या? हाँ, मैं ट्यूशन करती थी राकेश सिन्हा सर के पास और सुमित चंद्रा सर के पास। अच्छा, एक बात, स्कूल से कितना सपोर्ट? स्कूल जहाँ पढ़ती हैं वो अपने आप में धनबाद का एक आइकन स्कूल है, हर साल कुछ ना कुछ टॉपर्स होते हैं। मैं दूसरे भी फील्ड में देखता हूँ, कला के क्षेत्र में, संस्कृति में क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। स्कूल को लेकर क्या कहेंगे आप? मैं स्कूल को लेकर यह कहना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल के हर टीचर बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये भविष्य में अगला प्लान क्या होगा? मैं भविष्य में, मेरा जो एम है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने एम को पूरा करूँ और आगे बढ़ूँ और अपने देश की सेवा करनी चाहती हूँ। अच्छा, इस तरीके से टॉपर बनने के बाद ऐसा लग रहा है ना कि जिम्मेवारियाँ बढ़ जाएंगी, लोगों का उम्मीद आपसे बढ़ जाएगा कि इस साल आपने टॉप किया तो अगले साल और भी हम बेहतर कर सकें। हाँ, मुझे ये आपने सही कहा कि ये मेरे पर जिम्मेदारी बढ़ गई है कि मैं शायद अगले साल मुझे इससे भी अच्छे अंक लाकर इंटर में भी अच्छा रिजल्ट करना है। अच्छा, चूंकि समय तो अभी लगना है, फिर भी भविष्य का कुछ ना कुछ प्लानिंग आपने अभी से सोचा होगा कि उसी प्लेटफॉर्म पर हमें जाकर चल कर उस जगह तक पहुँचना, क्या सोचा आपने? मैंने सोचा है कि मैं भविष्य में IAS बनना चाहती हूँ। कुछ बनना चाहता है ये तो तय है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जिले का टॉप करना। दूसरा सबसे बड़ा बात हम आपके बीच में रखेंगे, एक राजेंद्र बालिका जैसे विद्यालय से निकलकर एक बच्ची का टॉप करना, जहाँ घर से निकलने में बहुत सारी समस्याएं होती है। जब हम इस कतरास के अंदर आए तो 1.5 किलोमीटर का, ये जो 1 किलोमीटर का तकरीबन सफ़र है, मुझे लगता है रोड की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बहुत मूलभूत सुविधाओं की कमी। मेरे घर में हर कोई मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं पढ़ाई को लेकर, खास करके मेरे मम्मी पापा और मेरे भैया और दीदी। जो बच्चियाँ आपके साथ पढ़ रही हैं, जो जूनियर थीं आपसे, जो सीनियर थीं, कहीं ना कहीं आज आप उनके लिए एक रोल मॉडल सा बन गई हैं, उनको क्या संदेश देंगे, उनको किस तरीके से पढ़ना चाहिए? मैं उनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो रिकॉर्ड हम बनाए हैं उस रिकॉर्ड को वो तोड़े और मैं अगर जिला टॉपर की हूँ तो वो स्टेट टॉपर करके दिखाएं। चलिए, इसमें स्कूल का योगदान है, माता पिता का योगदान है, सारे शिक्षक का योगदान है, इनके ट्यूशन टीचर का योगदान है, अगल बगल पास पड़ोस सभी का योगदान है और ये सारे इनके सफलता में एक कहीं ना कहीं एक व्यक्तिगत रूप से सूचक जरूर बने हैं। संतोषी, हमारे चैनल की तरफ से आपको ढेरों शुभकामना, बस यही उम्मीद है आप आगे बढ़ें, गढ़ें, समाज का एक नया रूप बने और आपका जो सबसे बड़ा लक्ष्य है IAS बनकर क्या करेंगे ये जरूर आप कहें।
मैं IAS बनकर अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ और अपने देश को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारा देश अभी जहाँ है उससे कई गुना आगे बढ़े और तरक्की करे। अंतिम एक अनुरोध DO से करेंगे, DO मैडम से करेंगे, सर से करेंगे, जिला प्रशासन से करेंगे, राज्य प्रशासन से करेंगे, यहाँ तक कि माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी से भी जरूर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो मेरा उनके तक जरूर पहुँचेगा। इस तरह के बच्चे जो कहीं भी हैं उनको जरूर आप खोज कर निकालें। ये मायने नहीं रखता कि वो प्राइवेट स्कूल में है, सरकारी स्कूल में है, या मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त। बच्चे आपके हैं, आपके राज्य के हैं। आज इन्होंने अपना नाम रोशन किया है तो इसमें राज्य का भी नाम रोशन हुआ। धन्यवाद। मैं उमेश, मेरी एक ही शुभकामना है राजेंद्र बालिका विद्यालय के सारे शिक्षक को कि आपके सहयोग से जिस स्थिति को इस बच्ची ने प्राप्त किया है इसका भविष्य और भी उज्जवल हो, और वहाँ पढ़ने वाली तमाम बच्चियाँ जो दूर दराज गांव से कम बजट के माध्यम से भी उस विद्यालय में एक बेहतर शिक्षा मिल रहा उसके लिए वो वाकई सधन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद।